नहाय खाय के साथ आज से शुरू हुआ छठ का महापर्व। चार दिन के छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। चार दिनों तक चलने वाले ये पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का ये पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे साल के सबसे बड़े त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। छठ पूजा में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, छठी मैया हो जाएंगी नाराज। बांस की टोकरी में रखे प्रसाद। छठ पूजा के प्रसाद और पूजा सामग्री को हमेशा बांस की टोकरी में ही रखना चाहिए। बांस को शुद्ध माना जाता है और इसलिए कभी भी पीतल, स्टील या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। इस महापर्व में नारियल का बहुत महत्व है और ऐसे में आप जब भी प्रसाद के लिए फल खरीदें उसमें नारियल जरूर रखें। छठ पर्व का प्रसाद बनाते समय आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। व्रत के दौरान कभी भी नमक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सबको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को पलंग या गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। छठ पूजा के चारों दिन महिलाओं को जमीन पर आसन बिछाकर सोना चाहिए। छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कई बार महिलाएं शुद्ध प्रसाद तो बनाती है लेकिन जाने अनजाने में उसे चख लेती है, तो उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है और इसलिए इसे जूठा ना करें। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। सूर्य को अर्घ देने वाले पात्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को कभी भी चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक के बने बर्तनों से अर्घ नहीं देना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाने से पहले स्नान करना नहीं भूलना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन प्रसाद बनाने से पहले स्नान करना बेहद जरूरी है।